पीएम मोदी के साथ कार्यक्रम है इस टीम का मिलने का। मुंबई में शानदार स्वागत की तैयारी। अनुष्का गर्ग और वरुण भसीन हमारे साथ हैं। वेरी गुड मॉर्निंग दोनों को। अनुष्का गर्ग, फैंस वहां पर बहुत उत्साहित हैं टीम इंडिया ट्रॉफी के साथ वतन वापसी करती हुई, क्या तस्वीरें? तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से लोगों में जोश देखने को मिल रहा है और लगातार यहाँ पर जो है टीम इंडिया को लेकर के चीयरिंग जो है वो की जा रही है। बहुत देर से लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, रात से ही लोग यहाँ पर पहुंचे थे लगातार कि टीम इंडिया आएगी तो उनका स्वागत करेगी। 50 रुपए की पेप्सी गोली मार। तो आईजीआई एयरपोर्ट से अनुष्का गर्ग हैं, साथ ही साथ वरुण भसीन हैं और जो टीम इंडिया के सपोर्टर्स हैं, टीम इंडिया के फैंस हैं जो टीम इंडिया ट्रॉफी के साथ लौटी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड और उत्साहित हैं यहाँ पर। और हम वरुण भसीन के पास जाएंगे। वरुण, अनुष्का ने तस्वीर दिखाई, फैंस में उत्साह बहुत ज्यादा है टीम इंडिया को चीयर करने के लिए। आईजीआई एयरपोर्ट पर तमाम फैंस का हुजूम है, आप दिखाइए तस्वीरें क्या है। जी बिल्कुल, दिखाऊं तो फैंस बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। 29 जून के भारत पूरा एक तरह से त्योहार बना रहा है और उसकी तस्वीरें नजर आ रही हैं। फैंस अलग अलग जगह से यहां पर पहुंचे हैं। उनसे तो कहां से आए आप? इंडिया, मैं वैसे जम्मू कश्मीर से हूं, अभी आज स्पेशली यहां पे टीम को देखने के लिए आए। बारिश हो रही है, पूरे परिवार के साथ यहां पहुंचे हुए हैं। कितना एक्साइटमेंट है वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की एक झलक के लिए? भैया बहुत एक्साइटमेंट है यार, आप मैच नहीं कर सकते, इतना एक्साइटमेंट है। सुबह 3 बजे से हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। हम लोग सुबह 5 बजे का फ्लाइट लैंड, लेकिन फिर फ्लाइट का टाइम चेंज हो गया और फिर T1 पे थे हम लोग, फिर यहाँ T3 पे आए। फाइनली टीम इंडिया कब आएगी वेट कर रहे हैं इसका। बहुत एक्साइटमेंट था, इतने सालों का इंतजार अब जाकर खत्म हुआ है, क्या लग रहा है अब फिलहाल? वो एक झलक शायद बहुत बड़ा काम, बहुत अच्छा लग रहा है। हम इनका इंतजार कल शाम से ही कर रहे हैं और हर बार फ्लाइट देख रहे थे कब आ रही है, कब आ रही है। देखिए इस वक्त तस्वीरें दिखाऊं तो पूरा टर्मिनल इस वक्त वो फैन से भरा हुआ है। आपको राहुल द्रविड़ यहां पर मिस्टर डिपेंडेबल से लेकर बुमराह द लेजेंड तक के वो पोस्टर्स नजर आ जाएंगे। वो चारों और इस वक्त वो फैंस खड़े हैं और बीच में एक खास पाथ बना दिया गया है जहां से अब से कुछ ही देर में टीम इंडिया यहां से निकलेगी। वो इस वक्त भारतीय टीम लैंड कर चुकी है और अब से कुछ चंद मिनटों का समय है जब यहां से इस वक्त वो बसेस के जरिए इस पाथ से जाया जाएगा और फैंस को ये उम्मीद है कि उनको अपने वो बिल्कुल। अनुष्का, फैंस आपके साथ भी हैं, वरुण भसीन के साथ भी फैंस, और फैंस कह रहे हैं देखिए हम टीम इंडिया को चीयर करने के लिए, उनका ग्रैंड वेलकम करने के लिए, विश्व विजेताओं को देखने के लिए एयरपोर्ट पर रात के 3 बजे से खड़े हैं, सुबह के 6:30 बजने वाले हैं। ये उत्साह देखते ही बन रहे हैं, आप भी दिखाइए तस्वीर अनुष्का। तो विश्व विजेताओं के स्वागत के लिए किस तरीके से आईजीआई एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम की तैयारी है। रात से ही हमारे टीम इंडिया के जो तमाम प्लेयर्स हैं उनके स्केचेस लेकर, पोस्टर्स लेकर उत्साह के साथ उनका वेलकम करने के लिए यहाँ पर तमाम सपोर्टर्स देश भर से पहुंचे हुए हैं। और आज का कार्यक्रम यह है कि देखिए अब से कुछ देर बाद अब बसेस से होटल में रवानगी इन प्लेयर्स की हो जाएगी, उसके बाद आज पीएम मोदी से मुलाकात का कार्यक्रम भी है। वरुण भसीन के पास जाऊंगी। वरुण, विश्व विजेताओं के ग्रैंड वेलकम की तैयारी में एयरपोर्ट के बाहर हुजूम उमड़ पड़ा है तमाम फैंस का, दिखाइए तस्वीरें, बात करते रहिए इन लोगों से। वरुण जी बिल्कुल, ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि किस तरह से वो जो एक्साइटमेंट था वो आज का या एक दो दिन का नहीं है, वो एक्साइटमेंट सालों का है। जो अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुंच के बता रहे हैं, क्या वो इस वक्त 29 जून शायद अब हमेशा के लिए छप जाएगी? वो तो छप, क्या एक्साइटमेंट था 29 से लेकर 4 तक की बात करूँ तो शायद वो त्योहार अभी भी जारी है। हाँ, त्यौहार जारी है, जो टीम को डिले हुआ उसके कारण ये हमारा जो सेलिब्रेशन था वो और डिले हो चुका है, बट वी आर वेटिंग फॉर द चैंपियंस। आप अभी एक फ्रेज जो मैं सुन रहा था आप वो बता रहे थे, वो फ्रेज क्या था वो बुमराह के लिए? सबको कर दे गुमराह, बूम बूम बुमराह। बिल्कुल, तो देखिए रोहित शर्मा की बात होती है, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, अब रोहित शर्मा शायद उनकी झलक पाने के लिए भी अभी बहुत से फैंस, वी आर वेटिंग फॉर हिम इटसेल्फ। 3 घंटे से वेट कर रहे हैं रोहित शर्मा की एक झलक दिख जाए एंड विद द ट्रॉफी। बिल्कुल वरुण, हम फैंस का हुजूम देख पा रहे हैं, उनका उत्साह समझ पा रहे हैं। टीम इंडिया किसी भी वक्त एयरपोर्ट से बाहर आएगी, बसेस में सवार होकर होटल तक जाएगी। अपने कैमरा पर्सन को कहिएगा वरुण की कैमरे को थोड़ा सा पैन करें, विजुअल्स को दिखाएं और इन विजुअल्स के साथ हम फैंस से बातचीत भी करते रहेंगे। वरुण भसीन बिल्कुल, तो देखिए इस वक्त तस्वीरें
हाँ, पर वो P3 इस वक्त है, खास तौर पे एक कॉरिडोर तैयार किया गया, अगर मैं आपको बताऊं तो वहां पर वो फैंस अलग अलग जगहों से सुबह 2 ये जमावड़ा लग चुका था, और उसके बाद से लगातार चाहे कोई भी उम्र का व्यक्ति हो, पुरुष महिला वरिष्ठ कोई भी हो, यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे। क्या एक्साइटमेंट इस वक्त चल रहा है मैम, क्या था दिमाग में? बस वो बिल्कुल इंडिया इंडिया के नारे लग रहे हैं, विश्व विजेता भारत वापस आ गए हैं, क्यों ना इतना उत्साह दिखाया जाए, झंडे को फहराया जा रहा है, और टीम इंडिया के वेलकम के लिए जहां एक तरफ लोग हैं वहां बसेस भी तैयार हैं। अनुष्का गर्ग भी मेरे साथ है, वरुण भसीन भी मेरे साथ है। अनुष्का, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, वरुण भी बता रहे थे कि देखिए लैंड हो चुकी है टीम इंडिया की, कुछ ही देर में बाहर आएगी बसेस में सवारों को और होटल तक जाएगी, उन शानदार तस्वीरों के इंतजार में हम सब हैं। वो तस्वीरें कब तक सामने आएंगी, साथ ही फैन से बात भी कीजिए। बिल्कुल, बस थोड़ी ही देर में टीम इंडिया जो है वो इस कॉरिडोर से यहाँ से निकलेगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सैकड़ों की संख्या फैंस यहाँ पर पहुंचे हैं। एक सबसे अनोखे फैन से मिलवाएंगे आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने अपने पूरे शरीर में इंडियन टीम के टैटूज जो है वो बनवा रखे हैं। धोनी से लेकर जितने भी टीम के मेंबर्स हैं सबके नाम आप देख सकते हैं इनके पीठ पर इन्होंने टैटू कराया है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं विराट कोहली की जो एक तस्वीर है वो इन्होंने यहाँ पर अपने टैटू पर बनाई है, इनसे बात भी करेंगे। क्या नाम है आपका? मनोज नाइक। कहाँ से आए आप? ओडिशा। बहुत बड़े फैन लग रहे हैं आप। बहुत बड़ा इमोशन। कैसा लग रहा है इंडिया जीत कर वापस आ रही है? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, सब लोग यहाँ पे हैं और हम लोग वेलकम करने के लिए वेट किया यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो यहाँ टीम इंडिया को चेयर करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, जो फैन इस वक्त और जो लोग इस वक्त जी न्यूज के साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दें बारबाडोस से टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनकर भारत वापस आ गई है। एयरपोर्ट के विजुअल्स आपके सामने हैं, भारी संख्या में फैंस एयरपोर्ट के बाहर हैं और सब ग्रैंड वेलकम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और आज का कार्यक्रम ये रहेगा, शाम को मुंबई में एक ओपन रोड शो होगा, एक ओपन बस में रोड शो होगा और साथ ही साथ सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात का टीम इंडिया का पूरा कार्यक्रम होगा। और अब से कुछ ही देर के बाद टीम इंडिया एयरपोर्ट से बाहर आएगी, बसेस तैयार हैं और उनको वेलकम करने के लिए तमाम तरह तरीके से चेयर करने के लिए फैंस यहां पर पहुंचे हुए हैं। वरुण भसीन, तस्वीरें दिखाते रहिए। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त वो तस्वीरें हैं, ये टकटकी लगाए सिर्फ ये चाहते हैं कि वो वर्ल्ड कप की एक झलक मिल पाए, टीम इंडिया की वो झलक मिल जाए, उस टीम इंडिया की जो कि यहाँ पर इन हजारों करोड़ इस वक्त आप सोचिए जो फैंस पहुंचे हैं उनके सपने जो पूरे करके आई है उनकी झलक मिल जाए। क्या एक्साइटमेंट है, कब से खड़े हो? हम लोगों को 4:30 बजे से हम लोग टीम का इंतजार कर रहे हैं, 2 घंटे हो चुके हैं, बहुत ज्यादा खुशी है, पलके बिछाए बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं टीम। वरुण और अनुष्का, टीम इंडिया विश्व विजेताओं के विराट वेलकम की तैयारी की हर तस्वीर जी न्यूज पर जारी रहेगी। जी न्यूज़।